घर से चाय लेके बाबा को जगाया, तीन चार आवाज लगाई, बाबा नहीं जागा, तो मैंने उनका कमर उठाया, कमर उठाया देखा तो गर्दन कटी हुई थी। ऐसे गांव वालों में, गांव वाल और जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जिन लोगों को पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बड़ा रोष है। ये कादरपुर में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में एक मंदिर के पुजारी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुजारी की उम्र करीब 90 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात के समय पुजारी गोविंद दास मंदिर में अकेले थे, इसी दौरान इस पूरी वारदात को अज्ञात हथियारों द्वारा अंजाम दिया गया। पुजारी की हत्या के बाद पूरे इलाके में रोष व्याप्त है। गाँव कादरपुर के पिजन वाला मंदिर में पिछले करीब 40 सालों से पुजारी के तौर पर ये रह रहे थे। मंदिर के पुजारी गोविंद दास की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरी वारदात का तब पता चला जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ ग्रामीण पहुंचे और इसी दौरान पुजारी गोविंद दास को चाय देने के लिए उनके कमरे में पहुंचे तो पुजारी को देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने पुजारी गोविंद दास को मृत अवस्था में लहूलुहान पाया। हत्या की इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स व डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुला लिया। अजय दाइमा, बाबा मोहनराम तीजन वाला जोड़ है, मंदिर है यहाँ। भैया सुबह 6 बजे में आया था, उस टाइम मैंने अपने घर से चाय लेके बाबा को जगाया, तीन चार आवाज लगाई, बाबा नहीं जागा, तो मैंने उनका कमर उठाया, कमर उठाया देखा तो गर्दन कटी हुई थी। बाबा का चेला रहता था वो 2.5 महीने यहाँ आया था, उसके बाद कल वो अपने घर चला गया। तो मैं सुबह घर से चाय ले आया, मगर बाबा कहला चलो मैं चाय दे देता हूँ। तो मैं आके देखा चाय दी, तो मैं डेली चाय नहीं लाता था, मैं डेली आता था पूजा करने के लिए, चाय नहीं लाता। बाबा की 90-95 करीब उम्र, 36 साल से रह रहे थे यहाँ पे। धर्मवीर दाइमा, आज सुबह अजय कुमार दाइमा जी, जैसा कि रोज डेली वो आते हैं मंदिर पे पूजा पाठ करने के लिए, आज सुबह भी वो आए हैं। उन्होंने आके देखा है मंदिर पे महाराज जगे हुए नहीं मिले हैं उनको, तो उन्होंने महाराज को आवाज़ लगाई है 3-4 बार, फिर भी महाराज नहीं उठे हैं। तो उन्होंने महाराज की रजाई कमर को हटाया है, तो वहाँ पे देखा है कि महाराज का मर्डर हो गया है, महाराज का गर्दन वो शरीर से अलग पड़ी हुई है। और इस तरह की घटना आज कादरपुर, ऐसे गांव वालों में, गांव वाल और जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जिन लोगों को पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बड़ा रोष है। और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और बहुत जल्द जाँच होनी चाहिए। मंदिर में पुजारी की हत्या के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 65 थाना पुलिस ने पुजारी के शव को कब्जे में लेते हुए अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। ये कादरपुर में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके संबंध में हमने FIR दर्ज करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और उसमें हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये अभी सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ों का पता चलेगा। अभी इनिशियल जानकारी ये है कि वहाँ पे एक मंदिर पे साधु रहते थे और उसकी हत्या हुई है। मंदिर पुजारी गोविंद दास पिछले करीब 40 सालों से लगातार मंदिर में ही रह रहे थे, जिनकी पिछले कुछ महीनों से बीमारी के चलते हालत खराब चल रही थी, जिसकी हालत को देखते हुए ग्रामीण उनका पूरा ध्यान रखते थे। पुजारी गोविंद दास की हत्या को लेकर पुलिस इस हत्याकांड को लूटपाट के नजरिए से देखकर भी जांच कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच के दौरान किस तरह के तथ्य सामने निकल कर आते हैं और पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक कब तक पहुँच पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।